हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चारकोल पाउडर के बारे में और कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और कैसे घर पे आप बना सकते हैं और कैसे कैसे टेक्निक्स आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं ड्राइंग पे। तो सबसे पहले मैं आपको कैसे अप्लाई करते हैं वो दिखा रहा हूँ कि अभी आप एक टेक्निक है, आप टिश्यू पेपर से भी यूज़ कर उसको ब्लेंड कर सकते हैं। टिश्यू पेपर पर डायरेक्ट चारकोल पाउडर लगा के तो आप ऐसे धीरे धीरे स्मूथली कर सकते हैं टिश्यू पेपर से भी। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे ब्रश कर सकते हैं। ये है कैमलिन का ब्रश है, आप कोई भी लोकल स्टेशनरी में मिल जाएगा। आप ब्रश से भी कर सकते हैं अगर आपके पास टिश्यू पेपर वगैरह कुछ नहीं है, और इसे भी आप वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्मूथली आपको रफ करना पड़ेगा पेपर पे जहाँ पे आपको डार्क पोर्शन करना है। इसे आप हेयर में भी यूज़ कर सकते हैं ये टेक्निक को। अगर आपने हेयर बना दिए लाइट लाइट और अभी कहीं पे जगह पे लाइट शेडो आ रही है तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। या फिर कोई चारकोल ड्राइंग करना है या फिर कोई ब्लर इफेक्ट देनी है, अगर आपको कुछ ग्लास वगैरह की ब्लर इफेक्ट या फिर वाटर इफेक्ट देनी है तो उसमें भी आप ये चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इसमें चारकोल पाउडर में ये बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा कि स्ट्रोक से दिखेगी। अगर आप पेंसिल से यूज़ करोगे तो आपको पेंसिल के चारकोल पेंसिल के स्ट्रोक दिखेंगे और इसमें नहीं दिखेंगे पाउडर में। तो अब मैं आपको थर्ड टेक्निक बताने जा रहा हूँ। अब आप पेपर स्टम्प से भी कर सकते हो अगर करना है तो। किसी के पास टिश्यू नहीं है या फिर ब्रश भी नहीं है तो पेपर स्टम्प है, वो भी पेपर स्टम्प से भी कर सकते हो। पेपर स्टम्प में ये फ़ायदा है कि अगर आपको कोई छोटी छोटी जगह है वहाँ पे जगह ब्लेंड करना है या फिर कोई ब्लैक स्पॉट बनाना है, स्किन टेक्सचर बनाना है, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो पेपर टिश्यू से नहीं होता, क्योंकि पेपर टिश्यू या ब्रश हो बहुत स्प्रेड होगा और स्टम्प में छोटी छोटी जगह से आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप पेंसिल से भी बना सकते हो चारकोल पाउडर को। और ये कैम्पलिन की पेंसिल है और जो चारकोल स्टिक आती है नॉर्मल वाली उससे भी आप बना सकते हो घर पे, दोनों इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो आपको मैं दो टेक्निक बताने वाला हूँ चारकोल पाउडर बनाने के लिए। तो फर्स्ट टेक्निक में आपको चाहिए एक सैंड पेपर चाहिए और फिर चारकोल जो स्टिक है वो चाहिए आपको, और फिर धीरे धीरे आप रफ कर सकते हो चारकोल स्टिक को। और अभी आपके पास कोई भी कंटेनर बॉक्स है तो उसमें आप स्टोर कर सकते हो ये चारकोल पाउडर को। तो अभी मैं आपको सेकंड टेक्निक दिखाने वाला हूँ। उसके लिए आपको एक क्राफ्ट नाइफ चाहिए और एक चारकोल पेंसिल चाहिए जो आपको कैम्बलिन की मिल जाएगी इजीली, और उसको धीरे धीरे आपको ऐसे पूरी शार्प कर देनी है पेंसिल। तो ऐसे शार्प हो गई। उसके बाद आपको एक सैंड पेपर वापिस से चाहिए इसमें भी, और सैंड पेपर भी इसको भी धीरे धीरे रफ करना है जिससे पाउडर प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद आप उसको कंटेनर में स्टोर कर सकते हो पहले की तरह, मैंने जिसे आपको बताया था।
तो ये वाले जो चारकोल पाउडर है वो मैंने बहुत सारे ड्राइंग में अपने स्केचेस में यूज़ किया है, और मैंने बहुत सारे स्केचेस में अपने बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज़ किया है। जैसे कि ये आलिया भट्ट वाला स्केच है, उसमें मैंने पूरा बैकग्राउंड बनाया है पूरा चारकोल पाउडर से। इसमें आप चारकोल पेंसिल या वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रोक दिखेंगे और इतना ब्लैक आपको डार्क मिलेगा भी नहीं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।